सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज की इस व्लॉग में मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ इप्सविच, थोड़ा बहुत। और यहाँ पे पता है आपको यूनिवर्सिटी ऑफ सफ़ोक करके यूनिवर्सिटी है, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट आते हैं एशियन, और मैंने एशियन बहुत सारे देखे हैं यहाँ पे। अभी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं, बाकी आपसे बताना कि वीडियो में कैसा लगा आपको। यूनिवर्सिटी तो एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत दूर है। मैं अभी हूँ सिटी सेंटर में, इप्सविच एसेक्स में ही आता है आई बिलीव, हाँ, और कोलचेस्टर से आई थिंक 1 घंटे की दूरी पे है अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हो, बाकी 30-40 मिनट्स ड्राइव है। बाकी इप्सविच भी अच्छा एरिया है, बट क्राइम रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मैंने गूगल के अकॉर्डिंग टू द गूगल, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। तो चलो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं, आपको भी दिखाता हूँ इप्सविच कैसी जगह है। सिटी सेंटर ही दिखा पाऊँगा, ज़्यादा तो आसपास की जगह नहीं दिखा पाऊँगा, सिटी सेंटर ही दिखा पाऊँगा। इप्सविच का हाई स्ट्रीट है, हाई स्ट्रीट में आपको पता है कि ए टू जेड सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये सामने मेरे जो है सेल मेकर्स में आपको मॉल है, मॉल के अंदर आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, मतलब शॉप्स वगैरह। चलो थोड़ा सा इप्सविच एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। सामने आ रही है इप्सविच की पुलिस, ये मेट पुलिस बोलते हैं इनको। अच्छा, ओहो, पेंडोरा का स्टोर भी है सामने, नाइस। पेंडोरा में आपको पता ही है ज्वेलरी वगैरह मिल जाती है बहुत सारी। रिवर आइलैंड का एक और बाहर भी स्टोर है, अभी तो ये खैर मेरे ख्याल से बंद हो रहा होगा। परफ्यूम शॉप मिल जाएगी, नाइस। ऐसे ही मैंने स्टैटफोर्ड गया था, स्टैटफोर्ड में भी बहुत बड़ा सा मस्त मॉल था और सारी चीज़ें मिल रही थी वहाँ पे। यह है यूरो एक्सचेंज, आपको करेंसी एक्सचेंज वगैरह करानी है तो। बाकी ये है फर्स्ट लुक, यह है विटामिन बार, आइसक्रीम वगैरह है यहाँ तो। और यहाँ तो पता ही आपको 5 बजे तक ही सब दुकानें बंद करना स्टार्ट कर देते हैं, तो टाइमिंग के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है लीडिंग लेबल्स। गर्ल्स का ड्रेसेस ज़्यादा लग रहा है इसमें, बाकी सेल वगैरह लगी हुई है अप टू 60% की। जाओ ओ रिडक्शंस पे देख लेना भाई, रिडक्शंस पे सेल वगैरह अच्छी मिल जाती है। और ये क्या है, ये है बॉडी केयर, ये भी आई बिलीव की गर्ल्स का ही है। और वहाँ पे वो है बेकर्स और क्या बोलते हैं इसको, यार कॉफ़ी वगैरह के लिए। बाकी ये एक नया स्टोर है, इसमें भी शॉपिंग वगैरह के लिए ही है। ये है नूडल स्टोर, नूडल स्टॉप सॉरी। और सबवे भी बना हुआ है अंदर, ओहो अंदर तो पाउंडलैंड भी बना हुआ है। ओके, पाउंडलैंड में तो अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है एक एक पाउंड में अच्छे खासे फ्रूट ड्रेस वगैरह और सब कुछ मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल से पाउंडलैंड में तो कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सब लोगों को पता ही है। और वो पेपन कंपनी नई इंक्लूड हुई है इनके साथ, ये पता नहीं मर्जर हुआ है या क्या हुआ है, बट यह है कि आपको ड्रेसेस वगैरह सस्ते में मिल जाएगी। चलो ऊपर एक्सप्लोर करके आते हैं कि ऊपर सेक्शन पे क्या है। सेकेंड फ्लोर पे आइसलैंड भी इन्होंने बना रखा है। आइसलैंड पे भी आपको ग्रोसरी टाइप का ही स्टोर है, जैसे सेंसबरी या आजदा या फिर टेस्को जैसे ही आइसलैंड भी एक स्टोर है। अच्छी खासी चीज़ें मिल जाती है सस्ते दामों पे, और ये होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करवाते हैं आपको। बाकी ठीक है, देखने के लिए तो काफ़ी कुछ है, घूमने लायक भी है। बाकी इप्सविच में भी इंडियंस बहुत सारे हैं, एशियंस मतलब मोस्टली एशियंस भी हैं। और वो HMV की शॉप, इसमें क्या क्या मिलता है भाई। अच्छा, किड्स एंड फैमिली सेक्शन। ओह, आज की डेट में DVDs वगैरह कौन खरीदता है भाई। बाकी डेकोरेशन वगैरह के लिए बच्चों की प्रोडक्ट्स हैं खरीदने। यहाँ पे कैंडी शॉप है, ओके अच्छा लग रहा है कैंडी शॉप। मॉल आधे से ज़्यादा खाली पड़ा हुआ है यार, और आज की डेट में भी यहाँ पे TV वगैरह बिकता है। डोंट नो कि टीवी कह रहा हूँ, कैसेट्स वगैरह कौन खरीदता, कैसेट DVD वगैरह। ओके, ये स्टेशनरी की शॉप है, कितनी बड़ी है भाई, बहुत बड़ी शॉप है। हाफ प्राइस में भी मिल रही हैं चीज़ें, ओके बूट्स भी है यहाँ पे, तो मेडिसिन वगैरह यहाँ मिल जाएगी आपको। बाकी ज़्यादा बड़ा मॉल नहीं है यार, मतलब बड़ा तो है। ओके, यहाँ पे सेल लगी हुई है, Blue INC करके कंपनी है ये। और ये है बैक्स करके, इसमें भी काफ़ी सारे मिलिट्री ड्रेसेस वगैरह है यार, अच्छी खासी चीज़ें मिल रही हैं इसमें भी, सेल इसमें भी लगी हुई है। बाकी रिवर आइलैंड का एक और स्टोर यहाँ पे है, ओके टॉयलेट्स वगैरह यहाँ पे है, बट अभी शायद से बंद कर रखा है इन्होंने। और क्या है, ठीक है एक और ये शॉप है, तो यही था पूरा मॉल बस। इंडिया में मॉल्स इससे ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं।
सबवे वगैरह पे हायरिंग चल रही है तो वी आर ओपन, इस तरीके से इन्होंने लिखा होता है। बट ये है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्टली ये लोग इन स्टोर जो है लेते नहीं है। बाकी आगे एक्सप्लोर करते हैं। ओके, ये यहाँ पे इप्सविच के इंस्टीट्यूट रीडिंग लाइब्रेरी भी बना रखा है और रूम भी है, और ये रिवर आइलैंड पे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये तो रीडिंग रूम और लाइब्रेरी बना रखा है, अच्छा खासा बना रखा है। ये कैंडी शॉप है, ओल्ड स्वीट शॉप, फ़ोन की शॉप भी है यहाँ पे। ये हेस का ट्रैवल शॉप है, तो इससे आप बुकिंग वगैरह करवा सकते हो इसकी वेबसाइट से, जो यूरोप वगैरह के लिए जाते हैं ना। पास में मैकडी भी है, नाइस, अच्छा है इप्सविच का सिटी सेंटर। तो 1 below 4000 प्रोडक्ट, ओके, ये पाउंडलैंड जैसा ही है, 1 pound के अंदर में चीज़ें मिलती हैं आपको, मुझे पता नहीं था यार, ये तो अच्छा है। 1 below लिख करके एक स्टोर है यहाँ पे, पाउंडलैंड जैसा ही है, लाइक कॉपी ऑफ पाउंडलैंड कह सकते हो। O2 का स्टोर, EE का स्टोर, ओके, O3 का भी स्टोर साथ में ही, तो सिम लेने के लिए भी अच्छा है। फ़ोन वर्ल्ड पे आपको सिम भी मिल जाएंगी, फ़ोन भी मिल जाएंगे, प्लस में आपको रिपेयरिंग वगैरह कराना है फ़ोन का, ओके, टेक्सको एक्सप्रेस भी मिल जाएगा यहाँ पे साथ में ही, नाइस। हॉर्स होटल, और ये है ग्रेट वाइट हॉर्स होटल, ये है होटल कोस्टा कॉफ़ी, सामने ये है बिल्डिंग सोसाइटी, ये बिल्डिंग सोसाइटी बैंक करके होते हैं मोस्टली, कोस्टा कॉफ़ी आपको सामने ही है। ओके, आगे भी इसी तरीके से स्ट्रीट है, सेंटर बैंक और अलग अलग बैंक मिल जाएंगे, बट मेरा आगे जाने का मूड नहीं है, इधर से ये एक्सप्लोर करते हैं अगर जो भी हो पाएगा। 5 बजे यहाँ पे शॉप बंद होना स्टार्ट हो जाती है, लाइक पता नहीं यार क्या ही है, इनको टाइमिंग को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो ये है टेलर एंड बुटीक शॉप, कैश एक्सचेंज पे आपको ना मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जैसे आपको कैमरा या फ़ोन या कुछ भी एक्सचेंज वगैरह करवाना है ना, तो वो भी हो जाएगा कैश में, वो प्राइस भी आपको मिल जाएगा, और अगर आपको कुछ सेल करना है तो वो भी सेल हो जाता है, और इंस्टेंट आपको कैश मिल जाएगा इसके एक्सचेंज में। ये इस तरीके की शॉप बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यूके में। एंटरटेनमेंट एक्सचेंज, ये भी मेरे ख्याल से उसी तरीके की शॉप है, आपको कुछ भी एक्सचेंज कराना हो या ख़रीदना हो, मतलब पुराना भी ख़रीद सकते हो नया से, और सेवर्स पे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है आपको कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, और सस्ते पे भी मिल जाती हैं। ये है जनरल स्टोर, और बिल्कुल मेरे सामने, ओके, अच्छा यार ए टू जेड सारी चीज़ें अवेलेबल है पूरा हाई स्ट्रीट पे, तो गेम स्पा, गेम नेशन, ओके, और यहाँ पे स्ट्रीट बैगर्स भी बैठे हुए हैं जो बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, हर कंट्री के अच्छे और बुरे दोनों चीज़ होती है भाई, ऐसा नहीं है कि यूके में भिखारी नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, सब है भाई सब। और वो जो है ज्वेलरी की शॉप, तो मेरे सामने ये सेंसबरी भी है, ओके, सेंसबरी पे भी अच्छे खासे प्रोडक्ट मिल जाते हैं सस्ते में, लाइक मोबाइल से आप रिचार्ज वगैरह करा सकते हो, बाकी नॉर्मल चीज़ें भी खरीद सकते हो, इन्होंने तो ग्रोसरी से रिलेटेड स्टोर भी बना रखा है। बाकी बसेस पूरी चलती है भाई यहाँ पे, मतलब कम्यूट के लिए आपको डिफ़िकल्टी आएगी नहीं, सेंसबरी कितना बड़ा है यार, पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक है। और मेरे सामने कबाब सेंटर, कबाब सेंटर में मैंने ट्राई नहीं किया, बट यहाँ पे भी ठीक ठाक चीज़ें मिल जाती हैं सुना है मैंने, कुछ लगता है केस वेस हो गया इस वजह से पुलिस वगैरह पूरे घूम रही है। बाकी ये मेरे सामने एक ट्रैवल एजेंसी है, उन्होंने अपना पैम्पलेट वगैरह लगा रखा है, 12 nights 13 nights इस तरीके से पैकेज वगैरह लगा रखा है, कहाँ पे आप घूम सकते हो, एशिया का भी है, जापान, कंबोडिया, इंडिया का नहीं डाला गया क्या, थाईलैंड का है, तो ग्रुप में भी है और इस तरीके से भी है बहुत सारे। और ये है लेटिंग एजेंसी, इंडिपेंडेंट ईस्टेट एंड लेटिंग एजेंट्स, इन्होंने भी काफ़ी सारे, और अगर आप इप्सविच में आ रहे हो ना तो आपको मतलब ये अच्छा है कि इप्सविच है, कनेक्टिविटी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, लाइक लंदन के लिए भी यहाँ से ट्रेन जाती है, आपको अगर पीटरबरा जाना है या कैम्ब्रिज जाना है तो मतलब कनेक्टिविटी अच्छी है इप्सविच से, ये बेस्ट पार्ट लगती है मुझे इप्सविच की। देखो कोलचेस्टर के लिए भी यहाँ से ट्रेन बहुत सारी अवेलेबल है, लंदन के लिए डायरेक्ट ट्रेन भी है, बाकी कनेक्टिंग ट्रेन भी है, और ये बसेस वगैरह तो बहुत अच्छी सर्विसेज है। बाकी छोटी मोटी शॉप्स वगैरह है ही अवेलेबल, वो तो ऑब्वियसली हर जगह ही होती है, मैंने तो अभी जो घुमाया वो तो था पूरा हाई स्ट्रीट, और ये देखो भाई मास्ता की क्या मस्त कार है,
और जो यहाँ से सिटी सेंटर और जो इप्सविच रेल स्टेशन या ट्रेन स्टेशन की डिस्टेंस है वो 16 to 20 मिनट्स बाय वॉक है, और अगर बाय बस जाते हो तो वो तो हार्डली आपको 5 to 10 मिनट्स में पहुँचा देगी। बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ सफ़ोक मुझे पता नहीं कितना दूर है, बाकी गूगल से ट्राई कर लेना कितना डिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग चले जाना। बाई बस जाना हो बस बाई जा सकते हो। बाकी अगर कोई इप्सविच लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ सफ़ोक में जो स्टडी कर रहा है स्टूडेंट अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो भाई इंटरव्यू वगैरह के दे सकते हो, आपकी इंटरव्यू से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे लोग ट्रैफिक रूल बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं भाई, सच में कुछ भी बोलो मतलब। और ऑब्वियसली मतलब एक चीज़ अच्छी है कि अगर ग्रीन लाइट भी हो जाएगी ना और अगर कोई पेडेस्ट्रियन जा रहा है तब भी, आई मीन ग्रीन लाइट फॉर कार्स, अगर ग्रीन लाइट कार्स के लिए भी हो जाएगी तब भी अगर कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है ना तब भी कार्स वगैरह रुक जाती है, तो अच्छा है। मतलब रूल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, वरना इनके घर पे पहुंच जाएगी टिकट। बाकी जो इस तरीके से ऑफ लाइसेंस स्टोर होते हैं ना इन पे भी जॉब वगैरह होती है, अगर आप लोगों को सच में जॉब की ज़रूरत है ना तो भाई हाई स्ट्रीट वगैरह आपको विजिट करना पड़ेगा और इमिडिएटली जॉब वगैरह मिल जाएगी, क्योंकि स्टोर्स के बाहर भी इन्होंने लगा रखा होता है कि पर्सन की नीड है, इस तरीके की पर्सन की नीड है, शेफ़ की या फिर वेटर की, मतलब जो भी है रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, शॉप की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी लगा रखी होती है रिक्वायरमेंट, तो आप जाके जॉब वगैरह ले सकते हो। और ये स्ट्रीट के सामने ही मेरे सामने इप्सविच टाउन फुटबॉल क्लब है, बहुत बड़ा क्लब है, देख सकते हो भाई कितना बड़ा क्लब है ये। यहाँ पे ना स्टूडेंट्स रूम भी अवेलेबल है उस साइड आगे जाके, एक बार मैं गया था तो स्टूडेंट्स रूम वगैरह भी अवेलेबल थे, बाकी वो नेट पे देख लोगे तो पता लग जाएगा लोकेशन वगैरह। मेरे सामने इप्सविच का पुलिस स्टेशन भी है और यहाँ पे रॉयल मेल का भी ऑफिस है। अच्छा है यार काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये देखो वीक ब्रिज लिखा हुआ है इन्होंने, एग्जीबिशन, सॉरी माय बैड, एग्जीबिशन होने वाला है इप्सविच में और ओके फ्री एंट्री है इसमें, और इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। ये रिवर थोड़ा सा सूख गया है अभी तो फिलहाल, ये यहाँ का लुक है थोड़ा सा, और ये रिवर के सामने ही आप देख सकते हो वहाँ पे ये सामने इप्सविच स्टेशन है, यहाँ से ट्रेन वगैरह आप लंदन के लिए भी जाती है, कोलचेस्टर के लिए भी जाती है, और वो जो है उस साइड, हाँ यहाँ से सामने जाते ना तो यहीं पे ही है यूनिवर्सिटी ऑफ सफ़ोक करके, एक बार मैं गया था यहाँ से वॉक करके भी जा सकते हैं। बाकी यहाँ से 20 मिनट्स का वॉक है हाई स्ट्रीट के लिए जो कि सिटी सेंटर जिसको बोलते हैं, और सामने इप्सविच है, तो ये है सामने इप्सविच का स्टेशन, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म भी है, यहाँ पे टिकट ऑफिस भी है। वैसे तो आज की डेट में बहुत सारे लोग, सभी लोग ऑलमोस्ट ऑनलाइन ही बुकिंग करते हैं। ये है आपका एटीएम विड्रॉल, कैश विड्रॉल, कैश वेंडिंग मशीन, टिकट्स मशीन, टिकट बाय कर सकते हो, सामने टिकट ऑफिस है। अगर आपको ऑनलाइन डिफ़िकल्टी आ रही है रेल कार्ड वगैरह बनवाने में तो यू कैन विजिट द ऑफिस, यहीं पे ये पास में ही आप जाओगे उनका पास वगैरह बन जाएगा, यहीं से बसेस वगैरह भी है कनेक्टिंग बसेस या फिर जितना भी हाई स्ट्रीट वगैरह जहां भी जाना है, और कैब वगैरह तो ऑब्वियसली ये देखो कैब वगैरह इस तरीके से मिल रही है यहाँ पर। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं, सामने ये है इप्सविच टाउन फुटबॉल जो कि मैंने अभी पहले दिखाया था आपको, तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, होपफुली कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।